हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत टेक। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं JBL का। मैंने माइक ऑर्डर किया था अमेजन के थ्रू, जो मुझे आज ही के दिन में डिलीवर हुआ था, और इसका प्राइस कुछ था 949। ठीक है, तो मैं इसको अनबॉक्स करने वाला हूँ। उसके बाद मैं इसका एक माइक टेस्ट का अलग से वीडियोस मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो मैं पहले इसको अनबॉक्स करने वाला हूँ, तो मैं इसको अपना इसको कट करता हूँ। कट करने के बाद मैं देखता हूँ इसमें क्या कुछ आपका है। तो सबसे पहले मुझे जो है अमेजोन का मुझे जो बॉक्स है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, राइट। तो इसमें आप देख सकते हो JBL का माइक CSLM20, और इसमें फीचर्स क्या कुछ है यह बताया गया है, और इसका प्राइस दिखाया गया है 2000, यहाँ पर दिखाया गया है, राइट। 2000 प्राइस है, लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस मैंने 949 पे इसको मैंने बाय किया। ये तो गया, और इसका बिल भी है मेरे पास। अगर आप देखना चाहते हो तो बिल को भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब मैं इस डब्बे को मैं साइड में रखता हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं, ये जो JBL का माइक है मैं इसको कट करता हूँ। ठीक है, तो कट करता हूँ मैं इसको। तो मैं इसको मैं कट करने के बाद मैं दिखाऊंगा कि इसमें क्या कुछ होता है, और इसका माइक टेस्टिंग जो है मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा माइक टेस्टिंग का। और रहा बात कि मेरा वीडियोस अभी जो ऑडियो क्वालिटी है उसमें कुछ दिक्कत हो सकता है, तो क्योंकि मैं मोबाइल फ़ोन से मेरा ऑडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसी वजह से तो मैंने जब अभी तक जो भी वीडियोस मैंने बनाया था सभी मेरा ऑडियो मेरा मोबाइल फ़ोन से था। मेरे पास कुछ माइक नहीं था। मेरा पहला माइक है JBL का, बोया का भी है, बोया का भी काफ़ी अच्छा है, तो मुझे JBL का मुझे अच्छा लगा, मैंने इसलिए लिया। प्राइस का कुछ कम ज़्यादा था, तो कुछ खास नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको लिया। तो ये देख सकते हैं JBL का यहाँ पे माइक है मेरा। एंड देन ये जो है एक अच्छा सा मैनुअल है, आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो लगभग आपका 10 मिनट के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, 5 से 10 मिनट के अंदर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मैनुअल है। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ मिलेगा मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो इसमें बताया गया है क्या कुछ मिलेगा, देखिए यहाँ पर बताया गया है CSLM का जो जैक है उसको, उसका पाउच, जो ये जो पाउच है, ठीक है, उसका क्लिप है, एक दो क्लिप है, दो आपका वाइंड सील्ड है, और TRS अडेप्टर एक है। TRS अडेप्टर आपको ऑडियो को फिक्स करने के लिए आपको जो है दिया जाता है। तो मैं इसको जो मैं ओपन करता हूँ, राइट, तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ इसमें आपको क्या कुछ मिलता है। सॉरी, मैं इसको ओपन किया, तो इसको ओपन करते ही आप इसको देख सकते हैं, ये जो है मेरा माइक है, प्यारा सा माइक है। मैं इसके मदद से अपने ऑडियो को भी सुन भी सकता हूँ, राइट, जो बोया का हेडफोन पे नहीं होता है। और ये देख सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें क्या कुछ आपको मिलता है मैं उसके बारे में दिखा दे रहा हूँ आपको। ये जो है कुछ खराबी ना हो इस वजह से इसको दिया जाता है। और इसमें देखिए एक आपको जो यहाँ पे एक स्टार दिया गया है, पहले से एक लगाया हुआ है इस पर, ठीक है। और साथ ही साथ जो माइक का है, ठीक है, इसका भी आपको वाइंड सील जो है एक एक्स्ट्रा दिया गया है, और TRS अडेप्टर जो है काफ़ी अच्छा है। तो इसको यही कुछ था बॉक्स के अंदर। और रहा आपका वीडियो क्वालिटी का, वीडियो क्वालिटी का मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा, तो वीडियो को जो आप देखिएगा। और किसी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं, कुछ भी अनबॉक्सिंग मेरे पास होता है, मैं कुछ भी कहता हूँ मैं आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग करता हूँ, राइट। तो यही था, अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, और किसी और टॉपिक में चाहते हैं वो बताइएगा, मैं इस माइक का टेस्टिंग करके मैं बताऊंगा। और रहा बात बोया का, बोया भी अच्छा है, आपका JBL भी अच्छा है, दोनों का दोनों अच्छा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्राइस आप जो भी लेना चाहते हैं उसको ले सकते हैं, लेकिन आपका फिनिशिंग जो है आपका JBL में थोड़ा सा अच्छा मिल जाएगा आपको, तो उसका कुछ प्राइस का भी इश्यूज होता है। तो मेरा फास्ट माइक है, मैं अब इसमें वीडियो बनाऊंगा, देखता हूँ क्या कुछ होता है इन फ्यूचर। इसी के साथ वीडियो साफ करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।